हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रमस्टिक सूप, मतलब शेंगे का सूप। सेंगा हर जगह अवेलेबल हो जाता है इजीली मार्केट में एंड पेड़ों पे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कट करके इसके ऊपर ऊपरी छिलके को अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे कि आपको पता ही होगा शेंगे में कितने अच्छे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए सी B1 B2 B6 B9 एंड सो ऑन। एंड आंवला भी यूज़ करेंगे जिसमें कि पाया जाता है रिच विटामिन सी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही। ड्रमस्टिक को काटने के बाद अब हम एक पॉट में पानी में डाल देंगे और इसे हम धीमी आंच पे बॉईल करेंगे। बॉईल जैसे ही हो जाता है हमें चेक करना है एक बार, और बॉईल होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और ठंडा होते ही इसे छान लेना है, इसके जो पानी को हमें छान लेना। अब इसे हमें अच्छे से इसके पल्प को निकाल के एक मिक्सर के जार में डाल लेना है, और हमें अदरक मिर्ची लहसुन ये सब भी इंग्रेडिएंट उसमें मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर देना है, पीस देना है। पीसने के बाद ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे हमें छन्नी में रख के अच्छे से इसको छान लेना है, और इसका जो भी छिलका है हमें ये ध्यान रखना है कि वो नीचे ना गिरे, हमारे सूप में ना गिरे, और वो छिलके को अच्छे से हमें छन्नी के सहायता से अलग कर लेना। अब हम इसमें अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स डाल देंगे। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन, मटर और गाजर और थोड़ी सी फूल गोभी। ये हम डालने के बाद यूज़ करेंगे। पहले कढ़ाई में घी डाल के गरम कर लेना है। जैसे ही घी गरम हो जाता है उसके बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डाल के जैसे ही ब्राउनिश हो जाता है जीरा, उसके बाद ही हम अपने जो भी फेवरेट अपने वेजिटेबल्स है वो डालेंगे। वेजिटेबल को अच्छे से भून लेना है, हल्का सा ब्राउनिश इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश हो जाए, उसके बाद ही हमें इसमें जो धनिया है हल्का सा पिसा हुआ धनिया डालना है, और इसमें काली मिर्च सेंधा नमक ये डालना है। तो हम यहाँ पर जो नमक है काला नमक वो यूज़ कर रहे हैं, उसको हम पत्थर पे हमारे यहाँ जो सील होती है वो सील पे पीस के उसके बाद हम इसको डालेंगे इस सूप के इंग्रेडिएंट में। आपको ये भी दिखा देते हैं कैसे डालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ये जो पल्प निकाल के हमने डाला था वो यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए हमने सील पे पीस लिया है काले नमक को और काली मिर्च को। अभी हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके एक अच्छा सा बॉइल आने तक वेट करना है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे कोरिएंडर लीव्स डाल के थोड़ा सा। थैंक यू फॉर